आज सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच जो कल बातचीत हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन अभी इस वक्त क्या हालात हैं, क्योंकि आज सातवां दिन है इस आंदोलन का और किसानों ने ये चेतावनी दी है कि अब आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहां आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, बातचीत से हालांकि कल कोई नतीजा नहीं निकल पाया, आमने सामने सरकार और किसानों के नुमाइंदे बैठे थे, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज किया जाएगा और ये कैसे तेज होगा ये आपको दिखाई देगा दिल्ली के बॉर्डर पर। कल हालांकि एक बार फिर बैठक होगी किसानों की और सरकार के मंत्रियों की, लेकिन इस बीच जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला तो एक निराशा का भाव जरूर किसानों के बीच दिखाई देता है, क्योंकि बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, आप इसे वापस ले, लेकिन सरकार का ये कहना है कि किसानों को भरमाया जा रहा है। और इसीलिए कल किसानों को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया, कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से प्रस्ताव के तौर पर कही गई जिसको लेकर किसानों ने इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच देखिए आज दिल्ली की सीमा पर किसान जो है वो डटे हुए हैं। अब आप ये देखिए कि बैठक पर बैठक, 14 अक्टूबर को बैठक हुई, इसके बाद 13 नवंबर को बैठक हुई, ये दूसरे दौर की बातचीत थी जिसमें कृषि मंत्री भी खुद शामिल थे, इससे पहले सचिव शामिल थे। 1 दिसंबर यानी बीते दिन ये तीसरे दौर की बातचीत थी जिसमें सरकार के 3 मंत्री शामिल हुए। अब 3 दिसंबर यानी कल का दिन जब चौथे दौर की बातचीत होगी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे बीच का रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव आप देखिए, सरकार ये कह रही है कि एक समिति बनाई जाए और इस समिति में सरकार के लोग शामिल हों, किसानों की तरफ से नुमाइंदे शामिल हों, कृषि से जुड़े एक्सपर्ट शामिल हों और इस समिति में कृषि कानून को लेकर एक चर्चा हो, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, देखिए कृषि विशेषज्ञ हों, इसके अलावा किसानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हों। लेकिन जब ये ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया तो इस पर राजी नहीं हुए किसान। समिति रोजाना बैठक करके चर्चा करे और उसके बाद इस पर कोई सहमति बनाई जाए, तो ये सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं था। पर अब आप ये देखिए कि किसान क्या चाहते हैं सरकार से, उनका साफ स्पष्ट ये कहना है कि कृषि कानून सरकार को वापस लेना होगा, सरकार इसे वापस ले, क्योंकि किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये उनके पक्ष में नहीं है। कृषि सुधार कानून में संशोधन हो और ये संशोधन आश्वासन के तौर पर लिखित में सरकार दे, एमएसपी की लिखित गारंटी मिले। हालांकि सरकार के मंत्री खुद प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि एमएसपी और मंडी नहीं हट रही, लेकिन भरोसे की कमी यहां पर दिखाई देती है और इसीलिए किसान बार बार ये कह रहे हैं कि लिखित आश्वासन उन्हें चाहिए, खेती का, एग्रीकल्चर का, कृषि का निजीकरण ना हो, प्राइवेट हाथों में वो ना जाए, ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता है, किसानों का कर्ज माफ हो। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिसे लेकर किसानों ने अपने इस आंदोलन को अब और तेज करने की बात की है, क्योंकि कल की जो बैठक रही वो बेनतीजा रही। लेकिन सबसे पहले आप ये सुनिए कि कल जिस बैठक से बहुत उम्मीदें थी, देश भर के किसान उस पर नजरें टिकाए बैठे थे कि आखिर यहां से क्या निकलेगा, दोनों पक्षों ने इस बैठक के बाद क्या कहा। हम लोगों ने किसान यूनियन के नेताओं से कहा कि एक छोटा ग्रुप बना लें और क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट पर डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा सुविधा होगी। उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि जितने लोग आज बैठक में उपस्थित थे सभी लोग एक साथ चर्चा करेंगे तो ठीक है, सरकार को इसमें आपत्ति नहीं है, हम सबके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। ज्यादा टाइम उन्हीं क्वेश्चनों पे लग गया है कि आप कमेटी बना लो 5 मेंबरी, इतने मेंबर से बात करचीत करना मुश्किल है। सारा पंजाब का किसान सड़कों पे बैठा है, कोई भी 5 मेंबर इनकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, सिर फोड़ देगा ओबाम किसान, उसका जो 5 नेता होंगे जो भी वो फैसला ले लेंगे। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे, जो आज भी हुआ 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार तो कुछ लेके जाएंगे, सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर, किसानों पर निर्भर है। किसी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा, पुरजे से लोग आ रहे हैं, ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा।
धरना चालू रहेगा और धरना में और विस्तार भी करेंगे। सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है, चर्चा इस करने लिए करना चाहती है। सरकार नूं इस गल दा शक है, वहम है कि जेड़े लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। हमने उनको बताने की कोशिश की, हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत यह था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे, तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। सरकार देखिए कंडीशन लगाती है, नए सूरज हमारे ऊपर कंडीशन लगाती है। अब वो कहते हैं कि छोटी कमेटी बनाओ, हमारी भी कमेटी बनेगी और एक्सपर्ट आएंगे, वो बातचीत करेंगे। उनका मनोरथ है कि ये कमेटी बना के इसको ठंडे बस्ते में डाल दो और जो आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हैं इनको घर को भेज दो, इसलिए हमने उसको निकाला है। मीटिंग में यही बात चर्चा चली कि हमने बोला उनको कि जो कृषि कानून आप लाए हैं इनको रद्द करो और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाए हैं उसको आप वापस लो और जो पराली के ऊपर आपने जो लाए हैं कानून उसको वापस लो। लेकिन वो कह रहे थे कि आप और कुछ नहीं सरकार लेकर आई थी, ये बोल रहे थे कि कमेटी बना लो तो उस पर चर्चा चलेगी क्लॉज बाय क्लॉज। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे डेली क्लॉज बाय क्लॉज करिए, हमारी तैयारी है, आप एक्सपर्ट बुलाइए। कह रहे हम अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे। हमने उनको बोला आप अपने एक्सपर्ट बुलाइए, हमसे डेली चर्चा कीजिए, कोई बात नहीं, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे।